मैं शर्मीला भी था और मैं शैतान भी था। मैं लोगों से मुझे बात करने में बहुत शर्म आती थी, लेकिन एक बार जब वो मेरे अच्छे दोस्त बन जाते थे, मेरे फ्रेंड्स बन जाते थे, तब मैं इतनी ज़्यादा शरारते करता था कि सब पागल हो जाते थे। एंड आई रिमेंबर आई मतलब जो मेरे जो कॉलोनी में मेरे एरिया में देवर ऑलवेज किड्स हु वर स्मॉलर देन मी इन एज। अगर जैसे मैं अगर 10 का हूँ तो 6-7 के होंगे या 5 के होंगे। सो आई यूज टू ऑलवेज लीड, आई यूज ऑलवेज बी द लीडर। सारी माएँ मेरे पास आती थी, बोलती थी शक्ति बेटा इनका जरा ख्याल रखना, सबको ये करना वो करना। तो मैं एकदम फुल लीडर की तरह मॉनिटर बन के मैं सबको लीड करता था और सबको बोलता था ये यहाँ बैठो, ये करो वो करो। तो मुझे उसमें रूल करने में बड़ा मजा आता था। तो मतलब मैं शरारती भी था और साथ में मतलब अगर कहीं जाना हो किसी के पास या वगैरह कुछ, तो मैं कोई कुछ खाने के लिए भी ऑफर करे तो भी मैं लेता। इनका पहले मम्मी की शक्ल देता था मैं। स्कूल में हम लोग टीचर्स के आने से पहले हम लोग आके पूरा जो क्लासरूम होता था हमारा, हम लोग बलून्स के साथ एंड रिबन्स वगैरह सब लगा के पूरा उसको सजाते थे और एक केक लाते थे ताकि जैसे टीचर्स आएंगे हम मतलब यू नो उनके लिए केक कटिंग करेंगे। और बड़ा मेमोरेबल दिन होता था हम लोग को। उस दिन हमारे स्कूल कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी, नॉर्मल कपड़े पहनते थे, सब स्टाइल वाइल मार के आते थे, सब लोग फैशन वैशन सब पूरा फॉलो करके आते थे। और उस दिन बस टीचर को रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए सेलिब्रेट करते थे और फेलिसिटेट करते थे उनको। वैसे बॉयज सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, बट आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आई यूज़ टू प्ले लॉट ऑफ बैडमिंटन और मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। मुझे बैडमिंटन कहीं पर भी मिल जाए मैं खेल सकता हूँ। आई लव बैडमिंटन और इंडोर गेम्स में आई लव कैरम। सो आई यूज़ टू प्ले फॉर माई कॉलेज ऑल्सो कैरम। तो अभी तो मेरा हाथ इतना मतलब नहीं चलता उसमें, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट या कैरम आई लव। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई से इतना भाग भाग के आओ, यहाँ पे भी रोज देखो स्क्रिप्ट आ गई अभी हाथ में, ये भी इधर बैठ के याद करो, याद करके वहाँ जाके बोलो, पीछा नहीं जुड़ता है पढ़ाई का यार। तो कोई कितना भी कोशिश कर लो पीछा नहीं जुटने वाला है आपका, तो आपको पढ़ना तो है ही चक मार के। सो कीप स्टार्टिंग में। ओके सो गाइज हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आपको भी हल्क की तरह बॉडी बनानी है, सो खूब सारे अंडे खाओ और खूब अच्छा अच्छा खाना खाओ, खूब ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ एंड मेक अ बॉडी लाइक हल्क। एंड फिर आप चिल्ड्रन नहीं रहोगे किसी भी हालत में।